नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी टीईटी नोटिफिकेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स थे, साथ ही साथ सुपर टेट के बारे में भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, जिसको लेकर के हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो वीडियो की यदि आपको सहानुभूति मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ जो है पहुँच सके। यहाँ पर बात करते हैं यूपी टैट नोटिफिकेशंस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद जो हमने नोटिफिकेशंस के लिए जानकारी निकाली है, साथ ही साथ आपकी जो प्राइमरी टीचर भर्ती होनी है यूपी टीईटी के अंतर्गत ये भर्ती आती है, तो वो और आपका टीईटी कराने वाला विभाग दोनों एक ही हैं। और इस बार यूपी टैट ऑनलाइन होगा। क्या यूपी टीईटी के मार्क्स जो हैं प्राइमरी टीचर भर्ती के जो फाइनल मेरिट होती है उसमें जुड़ेंगे या एकेडमिक को आपका समाप्त कर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच स्पष्ट की जाएंगी। तो सभी लोग जो हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी यदि आपका कोई कमेंट्स है तो आप जो हैं जरूर दें, हम उसके लिए प्रतिक्रिया आपको जरूर देंगे। बात करते हैं आपके यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन की। सबसे पहले तो देखिएगा, टीईटी के जो नोटिफिकेशंस है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये निकाला जाता है और प्रत्येक वर्ष इसको कराने का जो है प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इसमें जो है देरी हो रही है और इस बार तो बहुत ज़्यादा जो है विलंब हो चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपका जो 2021 वाला होना था वो 2022 में हुआ, हालाँकि लेकिन वो जनवरी में हो गया था। उससे पहले ये जो था एक बार कैंसिल भी हुआ था और आपका फिर से ये पुनः परीक्षा कराई गई थी। अब चीजें यहां पर आई है कि जनवरी भी आपका समाप्त हो चुका है और फरवरी भी आधे से अधिक आपका जा चुका है, तो नोटिफिकेशन आपका आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा इसका, कब ये आएगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने बीएड अपना कंप्लीट कर लिया है या डीएलएड कंप्लीट कर लिया है या कोई भी टीचिंग कोर्स या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, वो इंतजार कर रहे हैं यूपी टैट के नोटिफिकेशंस का। तो यहाँ पर नोटिफिकेशंस की यदि बात की जाए तो देखिएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है बेसिक शिक्षा विभाग आपका फरवरी 2023 में इसका नोटिफिकेशंस नहीं निकालेगा। इसका जो नोटिफिकेशंस है वो मार्च यानी कि होली के बाद आपका आएगा। तो मार्च के जो है आपके लास्ट वीक जो होते हैं आपके लास्ट टू वीक में आपका जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो मार्च के लास्ट टू वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसका जो एग्जाम है वो आपका यहां से होगा 2 महीने के बाद, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं जाकर के मई 2023 में आपका एग्जाम होने की संभावना है, जिसका जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग आपका 40 से 45 दिन बड़े आसानी से लग जाते हैं रिजल्ट में। तो रिजल्ट की भी मैं यहाँ पर बात जोड़ देता हूँ। तो रिजल्ट जो है आपका यहाँ पर देखिएगा, आपका जो आएगा वो यहाँ पर जून या आपका जो है जुलाई 2023 में आपका रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों के बीच स्पष्ट हो चुकी है, जहाँ तक कि बेसिक शिक्षा विभाग से हमें जानकारी कलेक्ट हुई है उसके आधार पर हम ये अनुमानित तिथियां आपको बता रही हैं, कोई फिक्स डेट इसकी नहीं दी गई है। तो मार्च से लेकर के जुलाई तक आपकी ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अब बात आ जाती है आपकी प्राइमरी टीचर्स की भर्ती की। तो देखिएगा, मैं लगातार आपसे कहता रहा हूं कि आपका 2024 में है लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव है, कुछ खास उपलब्धियां सरकार के पास नहीं है, रोजगार को लेकर के मारामारी है, तो 2024 के चुनाव से पहले आपकी जो होनी है वो होनी है आपकी भर्तियां। उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वे है आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, क्योंकि 2019 के बाद से ये विभाग जो है भर्तियों के लिए लगातार प्रयासरत है और इसमें लगभग 1,40,000 के आसपास आपके पदों की रिक्तियां हैं, जिसको लेकर के छात्रों ने आंदोलन भी किए हैं, आगे भी कर रहे हैं और इसके लिए लगातार जो है ऑनलाइन हो चाहे आपका सोशल मीडिया पर हो चाहे कहीं धरना प्रदर्शन हो, वो लगातार किया जा रहा है। तो आपकी आने वाली है भर्तियां, तो भर्तियों में जो प्रमुख भर्तियां है वो है आपकी 84,000 पदों के लिए, जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन से न्यूज में भी ये खबर घूम रही है कि 84,000 पदों पर आपकी प्राइमरी टीचर भर्ती होगी।
यानी कि जो पद है उसको लेकर के सरकार ये जो है बड़ी और बंपर भर्ती निकालेगी, और 2024 से चुनाव से पहले आप समझ सकते हैं कि भर्ती कहाँ आनी है आपकी, 2023 में आनी है। तो इसके लिए यदि मैं बात करूं तो इसके लिए जो नोटिफिकेशंस है वो जो संभावित है ये है आपका, यहाँ पर यदि बात की जाए नोटिफिकेशंस के बारे में तो देखिएगा यहाँ आपका जो नोटिफिकेशन है, जब आपका यूपी टेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी ये भर्ती की प्रक्रिया निकाली जाएगी। तो सितंबर या अक्टूबर 2023 में आपको ये जो भर्ती है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ताकि दिसंबर तक इसका जो एग्जाम्स हो जाए, एग्जाम आपका जो है दिसंबर 2023 तक हो जाए और इसकी जो नियुक्तियां हैं वो 2023 के अंतर्गत ही आपकी समाप्त कर ली जाए, 2024 में सरकार ये उपलब्धि गिना सके कि हमने जो है बड़ी भर्तियां की हैं। बात आती है कि ये जो टीचर भर्ती है इसमें यूपी टेट के अंक कितने जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, या एकेडमिक का आपका क्या मामला रहेगा। तो देखिएगा इस चीज को लेकर के लगातार छात्रों की मांग है और विभाग की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एकेडमिक को किसी ना किसी रूल के आधार पर समाप्त किया जाएगा और यूपी टीईटी के मार्क्स उसमें जोड़े जा सकते हैं। तो इसकी जो संभावना है वो 60% है। बाकी ये है यदि बात की जाए एकेडमिक रिकॉर्ड की, तो एकेडमिक रिकॉर्ड का जो मामला है वो 40% है कि ये पहले वाली ही व्यवस्था रहेगी जिसमें एकेडमिक रिकॉर्ड आपका जुड़ता था या आपकी यूपी टेट के अंक जुड़ेंगे, तो वो जो संभावना है 60-40% है। बात करते हैं यूपी टेट के ऑनलाइन होने की। तो देखिएगा ये खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि इस बार यूपी टीईटी की परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। तो जैसा कि विभाग के द्वारा हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है तो उन्होंने अभी तक किसी भी कंपनी से जो ऑनलाइन एग्जाम्स कराती है इसका टेंडर या इसके लिए अभी जो है बोली नहीं लगाई है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक इस प्रक्रिया को लेकर के कोई ज़्यादा बड़ी यहाँ पर प्रक्रिया नहीं चल रही है। तो यूपी टीईटी जहाँ तक मेरी संभावना है कि ये आपका जो है ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन आपका नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सीमित संसाधन आपके पास नहीं है। तो यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो चुकी होंगी। ऐसे कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे जो फिलहाल की कंडीशंस में जिनके एग्जाम्स यहाँ पर होने हैं। तो मैं कहता हूँ कि यूपी टेट में आप जो है अपीयरिंग में अपना आवेदन कर सकते हैं यूपी टेट के लिए अपीयरिंग में, और आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त सितंबर तक बड़े आसानी से आ सकता है, और जब आपका नोटिफिकेशन आएगा टीचर भर्ती के लिए तो आपके लिए गोल्डन चांस होगा। तो आप सभी लोग जो है यूपी टीईटी को इस बार जो है जरूर दें। यदि किसी कारण से अंक जुड़ गए तो आप जो है यदि इसमें बेहतर स्कोर करोगे तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से आप सभी लोग जो है इसके लिए तैयारी शुरू कर दें। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।